चलो नेक्स्ट टॉपिक है स्केप वेलोसिटी। सपोज ये आपकी अर्थ है, स्केप का मतलब हो जाता है कि बाहर चले जाना, मतलब कितनी वेलोसिटी दें ताकि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की फील्ड से क्या चले जाए, बाहर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्ट को आपने किसी एक इंसान ने फेंका की, ठीक है, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा बन गया इंसान के मुकाबले, तो यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका, तो क्या होता है, आप देखते हो कि कई बार इसको फेंकते हो कितनी भी वेलोसिटी से आके ऐसा 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 गिरता है। हाथ से तो हम फेंक नहीं सकते हैं, पहली बात तो कैसी वेलोसिटी, मान लो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से फेंका, आपने कोई मशीन वगैरह लगा के फेंका, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर गया, थोड़ा और दूर गया। आई बात समझ में, थोड़ा और दूर गया तो भी क्या हुआ, अभी भी अर्थ पर ही गिर रहा, और थोड़ी और वेलोसिटी आपने बढ़ाई। अच्छा, इसको किधर भी फेंको, ऊपर हवा में भी ऊपर भी फेंकोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन एक तरफ की डायरेक्शन को चूज कर रहे हैं, ठीक है, किधर फेंक रहे हैं, यहाँ से फेंकें तो फिर ये क्या है, यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये हर बार कैसा रोटेशन करने लगा, कुछ इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करने लगा, कैसा करने लगा, इलिप्टिकल पाथ में। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते अपन, धीरे धीरे वेलोसिटी अगर आप बढ़ाओगे, जोर से फेंकाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पार्टिकल क्या होता जाएगा, दूर 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 होता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब पार्टिकल क्या होगा, अर्थ से क्रॉस होके इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने लगेगा। कैसे घूमने लगेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसको बोलते हैं एलिप्स, क्या बोलते हैं, एलिप्स, ठीक है, 100% एलिप्स नहीं होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है इसमें, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ सर्कल टाइप से भी रहता है, ठीक है, हाँ, कॉनिक सेक्शन वाला एलिप्स है, ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन में अपन पढ़ेंगे इसके बाद एलिप्स। तो ये इस टाइप से कुछ शेप ले लेता है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को आपने फेंका यहाँ से तो ये ज़्यादा स्पीड से फेंका, देखो इससे छोटी स्पीड से फेंक रहे हो तो हर बार ये क्या हो रहा है, जमीन पर ही गिर रहा था। अब ये समझ गया, हर बार डायग्राम अच्छे से बनाने की जरूरत नहीं है उसका, तुम समझ गए, एक ज़्यादा स्पीड से फेंका तो ये कैसा चलने लगा, एक एलिप्टिकल पाथ में चलने लगा, ये स्पीड कितनी होती है बताऊंगा मैं। आपने फिर क्या किया, बहुत ज़्यादा स्पीड दी तब ये ऑर्बिट तभी कैसा चलने लगा, सर्कल में घूमने लगा, कैसा घूमने लगा, सर्कल में, मतलब एक वेलोसिटी पे एलिप्स में घूमा, उसके पहले कितना घूमा, चल ही नहीं रहा था, हर बार जाता और पृथ्वी इसको खींच लेती। अब आपने क्या किया, एक ज़्यादा वेलोसिटी दी तो पहले तो इलिप्टिकल वेलोसिटी में घूमने लगा, ठीक है, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी आपने कुछ V1 दी, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दी, V2 दी, ठीक है, V1 की वेलोसिटी अगर लेस देन 8 किलोमीटर पर सेकंड आपने कुछ दी, लेस देन 8, या फिर इसको कुछ वैल्यू बोल देते हैं, लेटेस्ट से कुछ एक्स दे देते हैं, वैल्यू अपन डिराइव करेंगे। अगर वेलोसिटी आपने कुछ एक्स किलोमीटर से कम दी तो वो कैसा चलने लगा, एलिप्स में घूमने लगा। तो पाथ वन कैसा है हमारा, थोड़ा सा एलिप्स है, कैसा है, एलिप्स। एलिप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एलिप्स में दो फोकस होते हैं, और आपको ये तो पता है कि जितने भी प्लेनेट घूमते हैं वो सन के अराउंड, ये सन मतलब ये आपका जो भी प्लेनेट होता है और ये सन है, सन के अराउंड कैसे घूमते हैं, ये एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, एग्जैक्टली सर्कल में नहीं घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, एलिप्टिकल, मतलब ये दूरी पास होती है और ये दूरी क्या होती है, दूर होती है। ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है, एग्जैक्टली कितना पास कितना दूर ये सब रहता है, ठीक है। अब और वेलोसिटी आपने बढ़ाई तो क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब V1 की वेलोसिटी अब आपने कितनी की, पहली वेलोसिटी थोड़ी सी स्पीड से कम फेंका, अब आपने V1 की वेलोसिटी कितनी कर दी, कुछ एक्स स्पीड कर दी, एक्स हम निकालेंगे, कितनी कर दी, एक्स कर दी। अच्छा, यहाँ पे कैसा पाथ लिया इसने, एलिप्टिकल, यहाँ पे इसने कैसा पाथ लिया, सर्क्यूलर। जब V1 की स्पीड, यहाँ पे V2 था ना, यहाँ पे V2 आपने कर दिया, V3, एक तीसरी स्पीड आपने करी, तीसरी स्पीड जैसे ही आप दोगे, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख दूंगा, मुझे जगह चाहिएगी, तीसरी स्पीड आपने और ज़्यादा तेज दी, तब फिर से ये कैसा घूमने लगा, एलिप्स के जैसा घूमने लगा, फिर से कैसा घूमने लगा, एलिप्स के जैसा। एक्चुअली मैं उस पॉइंट को वहीं टच करवा रहा हूँ क्योंकि अब वो वहीं से छोड़ा है, तो वो इस तरीके से ही घूमेगा कि घूम फिर के वो आएगा वहीं पे, ठीक है, किससे बाद कैसे जाएगा, फिर से एलिप्स चला जाएगा। मतलब पहला पाथ कैसा था एलिप्स, दूसरा पाथ कैसा चला, सर्कल, तीसरा पाथ फिर से कैसा आया, एलिप्स। आ रही बात समझ में। अब आपने और तेज वेलोसिटी से फेंका,
और तेज वेलोसिटी से फेंका तो ये सीधे सीधे क्या हो गया, अर्थ के सरफेस से ही क्या हो गया यहाँ से बाहर, अब नहीं आने वाला। मतलब आपने वेलोसिटी कितनी दी, अच्छा पहली वाली वेलोसिटी कितनी थी, कुछ लेस देन एक्स थी, दूसरी वाली वेलोसिटी थी कुछ एक्स थी, वी टू की वेलोसिटी कितनी थी, कुछ ग्रेटर देन एक्स थी, ठीक है। फिर वी थ्री की वेलोसिटी क्या थी, ज़्यादा थी एक्स से, ठीक है, ये था वी थ्री, ठीक है। और वी फोर की वेलोसिटी और आपने ज़्यादा करी एक्स से, कुछ और वेलोसिटी, तो क्या हो गया। अच्छा इसमें जब पाथ था, इसका पाथ बनेगा पैराबोला, कैसा बनेगा पैराबोला, ये कुछ पैराबोला इस टाइप से होता है, कैसा होता है पैराबोला, आपने सुना नहीं होगा, पैराबोला इस टाइप से होता है, मतलब हाँ सुना होगा तो अच्छी बात है, मतलब ये पाथ से कैसा चला जाएगा, कैसा पाथ लेगा, ऐसा कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ से चला जाएगा। ये कब, जब आप V4, ये कौन सा पाथ है जब वेलोसिटी क्या कर दोगे और बढ़ा दोगे, हाँ मतलब यहाँ एक जगह मान ली कि इसी से फेंक रहे हैं अपन बस, ये तो जगह है, यहाँ से फेंक रहे हैं हम, ठीक है। फिर आपने एक और वेलोसिटी दे दी जो कि और इससे भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, मतलब ये तीन तीन इक्वल ग्रेटर लगाया, चार ग्रेटर लगा दिए मैंने, तो भी ऑब्जेक्ट कहाँ चलाएगा, तो भी ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, बाहर जाएगा। पर इस बार जो पाथ फॉलो होगा वो कैसा कैसा होगा, हाइपरबोला, कैसा पाथ फॉलो होगा, हाइपरबोला भी पैराबोला जैसे ही होता है, हाइपरबोला भी पैराबोला जैसे ही होता है, दिखने में कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। बट इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इसकी प्रॉपर्टी अभी अपने को पढ़ना नहीं है, पर हाँ तुम पाथ का नाम याद रख लो। तो ये समझ में आया तुमको कि जैसे जैसे वेलोसिटी अपन बढ़ा रहे हैं, पहले एलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर मोशन, एलिप्टिकल पाथ, फिर पैराबोलिक पाथ और फिर हाइपरबोला, इज दैट क्लियर। इस टाइप से ये चीज़ चलती है, मतलब ये तीनों तो क्लोज कर गए, ये तीनों कैसे कर गए, क्लोज कर, और ये दोनों कैसे कर गए, ओपन कर, क्लोज कर्व है, इसका मतलब वापस से चीज कहाँ आ जाएगी, पृथ्वी पर। ओपन कर्व का मतलब क्या होता है, एक बार चला तो फिर चला, वापस क्लोज नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब समझ में आया। अब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी किसकी क्या क्या है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में चलने के लिए, सर्कुलर मोशन में चलने के लिए वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो निकलेगी कितनी, अंडर रूट जी इंटू आर, कितनी निकलेगी, जी इंटू आर। हम मान लो इसको कहाँ से फेंक रहे हैं, अर्थ की सरफेस से फेंक रहे हैं, सर्कुलर मोशन में चलने के लिए जी इंटू, मतलब कौन सा मोशन है, ये वाला सर्कुलर, ये वाला, ठीक है। रूट जी आर की वैल्यू, जी तो फिक्स है, ये प्रूफ करूंगा मैं अभी, वैल्यू रख लो आप, जी का वैल्यू कितना, जी का वैल्यू 9.8 और अर्थ का रेडियस कितना, 3600 किलोमीटर को मीटर में करोगे तो ये 3 जीरो और लगेंगे, आ रही बात समझ में। और जब इसको तुम पुट करके वैल्यू निकालोगे तो ये कुछ 7.9 या 8 किलोमीटर पर सेकंड आएगा, कितना आएगा, मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली कितना, 8 किलोमीटर पर सेकंड, समझे, कितना आएगा, 8 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कितनी रफ्तार से फेंकना पड़ेगा, V2 का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना फेंकना पड़ेगा, 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसको जाना पड़ेगा। और 8 किलोमीटर से अगर वेलोसिटी छोटी होती है तो ऑब्जेक्ट कैसा ले लेगा, एलिप्टिकल पार्ट, ये कैसा है, लेस देन 8 किलोमीटर। अच्छा 8 किलोमीटर से छोटा, तुम यूं मत बोल देना 1 किलोमीटर ही ले लें सर, क्योंकि बहुत छोटा भी नहीं देना, इसका लोअर लिमिट तो नहीं पता कि कितनी छोटी दे सकते हैं, पर 8 किलोमीटर से मान लो थोड़ा बहुत छोटा कम कर दिया तुमने वैल्यू को, जैसे 7.6 कर दिया, 7.6 क्या है, छोटा वैल्यू, पर बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, तो कैसा चलेगा ऑब्जेक्ट, एलिप्टिकल पार्ट, समझ में आ रही बात, नहीं आया, कितनी वैल्यू, वेलोसिटी लेस देन 8, अभी खैर उसकी वैल्यू नहीं है, कितनी वैल्यू से फेंकते हैं, उसकी कुछ वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि और ज़्यादा छोटी से फेंकोगे तो वापस धरती पे ही आ जाएगा, तो इसीलिए छोटी कितनी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू उसका, इसका भी वैल्यू रहता है कि कितनी वेलोसिटी फेंकें कि कम से कम वो घूमने भी लग जाए, तो इसकी भी प्रूफ रहती है। अभी आप समझ लो कि 8 किलोमीटर से छोटा है, पर कितना छोटा है, थोड़ा ही छोटा होगा लगभग, बहुत ज़्यादा नहीं। अब 8 किलोमीटर के बाद स्पीड बढ़ाई, सर्कुलर में घूमने लगा, सर्कुलर के बाद आपने स्पीड कितनी कर दी, ग्रेटर देन कितनी कर दी, रूट जी आर, कितनी कर दी, पहले इक्वल टू थी, अब रूट जी आर से ग्रेटर का मतलब कितना होता है, 8 किलोमीटर से ज़्यादा, 8 किलोमीटर से ज़्यादा का मतलब आप समझ लो कितनी, 9 किलोमीटर,
या कितनी कर दी 10 किलोमीटर या कितनी कर दी 11 किलोमीटर तक कर दी, ठीक है। तो इसको ग्रेटर देन, तो मैं क्या कहूँगा 8 किलोमीटर की स्पीड से क्या होना चाहिए, स्पीड यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। और मैं लिख देता हूँ कितनी अप टू 11 है, ये अंदाजे से है फिगर, कितनी अप टू 11 किलोमीटर पर सेकंड। तब तक कैसा चलेगा इसमें ऑब्जेक्ट, एलिप्टिकल ऑब्जेक्ट कैसा जाएगा, एलिप्टिकल। तब फिर से वो पृथ्वी के चक्कर कैसा लगाने लग जाएगा, एलिप्टिकल। मतलब दो बार एलिप्टिकल पाथ आते हैं इसमें वेलोसिटी को बढ़ाने में, नहीं आया समझ में। एक टाइम आएगा जब आप इस वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाते हो और कितनी कर देते हो ग्रेटर देन रूट टू जी आर, तब ये कैसा चलता है, पैराबोलिक। कितना होता है, पैराबोलिक। और ये जब वैल्यू पुट करते हो आप इसमें रूट टू जी आर वगैरह, तो कितनी आती है अप्रॉक्सीमेटली 11.6 किलोमीटर पर सेकंड। कोई 7 भी बोलता है, कोई 8 भी बोलता है, सॉरी 11.2 है, ये वैल्यू कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसके वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या चला, क्या क्या हो जाता है, इसपे स्केप हो जाता है, ठीक है। अभी तक स्केप हुआ था क्या, स्केप का मतलब ये मत समझना सर वो पृथ्वी पे से चला तो गया, घूम तो रहा है, इसको नहीं बोलते हैं स्केप। पृथ्वी की फील्ड को ही क्या कहें, ऐसी वेलोसिटी जिसकी पृथ्वी की ग्रेविटेशन फील्ड से ही बाहर फेंक दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्केप वेलोसिटी। तो कितनी होती है, कम से कम कितनी स्पीड देना, 11.2 किलोमीटर हर सेकंड में देनी पड़ेगी उसको, तब जाके वो स्केप कर जाएगा। ऐसा थोड़ी कि एक सेकंड में तुमने दे दी, और मतलब ये कंटिन्यूस स्पीड उसको मिलनी चाहिए, नहीं तो एक सेकंड में जाएगा कितनी दूर, 11.2 किलोमीटर। फिर दो सेकंड में कितनी जाएगा, 11.2 को 11 ही ले लो, एक सेकंड में 11 किलोमीटर चलेगा, दो सेकंड में 12-22 चलेगा, फिर तीन सेकंड में इतना, जाना कितनी दूर है तुमको, तो करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है। तो इतना वेलोसिटी इसको क्या है, मिलते रहना चाहिए, तब जाके ऑब्जेक्ट क्या है। हालांकि ऐसा कोई चीज़ होती नहीं कि यहाँ से बंदूक से छोड़ो और एक जैसी स्पीड से चला जाए, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, पर नहीं है, इसके लिए रॉकेट बनाए गए कि भाई वो चीज़ तो प्रैक्टिकल पॉसिबल है नहीं, रॉकेट तो ले जाएगा, ठीक है। नहीं, रॉकेट में फिर ये स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते अपन, अब वो तो क्या बराबर ले जा रहा है ना, उसको तो क्या करना है, अब तो ले जा रहा है, आपने लगा दी उसके ऊपर आम, नहीं तो वो दिखेगा ही नहीं इतनी स्पीड से जाएगा और जाएगा, तो यहाँ पर रॉकेट वाली स्पीड नहीं है, रॉकेट अपनी स्पीड से ले जा रहा है उसको। पहले ये कैसा है, ये ऐसा है कि पृथ्वी से आप सीधे क्या कर रहे हो, फेंक रहे हो, बस आपने फेंक दिया हो, तो कितनी वेलोसिटी से फेंकना है, इतनी। और ये वेलोसिटी मेंटेन भी होना चाहिए, ये वेलोसिटी क्या होना चाहिए, मेंटेन। ऐसा थोड़ी कि 11.2 एक बार फेंक दिया ऑब्जेक्ट चला जाएगा, भाई तुमने इस वेलोसिटी से अगर दिया देखने, पर वैसे तो ऐसा बोल सकते हैं अपन कि अगर इतनी वेलोसिटी से दिया तो उसमें इतनी पावर भी आ जाएगी कि वो क्या हो जाए, हो सकता है ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दे, वो क्रॉस कर दे। एक सेकंड में अगर 1 किलोमीटर चला गया तो हो सकता है ये इतना 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 ऐसा आगे बढ़ता जाए कि वो उसको कर दे। खैर आपको ये नंबर याद रखना है, कितनी होना चाहिए स्केप वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर। और इसका फॉर्मूला कितना होता है स्केप वेलोसिटी का, अंडर रूट 2 जी इंटू आर। यहाँ पे 2 क्या होता है, कांस्टेंट, जी क्या होता है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल आर क्या है, पृथ्वी का रेडियस। आप कहाँ से फेंक रहे हो, पृथ्वी की रेडियस से फेंक रहे हो, मान लो और कुछ ऊंचाई से फेंक रहे हो, मान लो कुछ ऊंचाई से फेंक रहे हो, आर दूरी पर से फेंक रहे हो, कहाँ से फेंक रहे हो, आर दूरी से फेंक रहे हो, तो आर इज इक्वल टू आर प्लस, या तो आप मान लो एच हाइट पर हो तो आर इज इक्वल टू क्या रख सकते हो, एच प्लस आर, समझे, आर इज इक्वल टू क्या रख सकते हो, एच प्लस आर। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई कैसा हो जाएगा, अंडर रूट 2 जी एच प्लस आर, ठीक। अगर एच हाइट ऊपर से फेंक रहे हो तो वेलोसिटी आपको क्या लगेगी, ज़्यादा की कम, ठीक है। अभी खैर इसकी भी रहने दो, बात ये सरफेस से ही, हर सरफेस से डेरिवेशन है, क्योंकि तुम अगर यहाँ एच की वैल्यू हाइट ज़्यादा बढ़ाते जाओगे तो वेलोसिटी आनी क्या चाहिए, कम आनी चाहिए ना, क्योंकि आप इतनी हाइट क्या है ऊपर चले गए हो। अब इसको छोड़ो, है ना, अभी तुम बस इतना ही रखो, है सरफेस ऑफ अर्थ सही है, सरफेस ऑफ अर्थ से अंडर रूट 2g आर याद रहेगी वैल्यू, इसको बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। ये क्लोज कर्व होते हैं, ये ओपन कर्व होते हैं, मतलब 11.2 से पहले पहले तक तो ऑब्जेक्ट पृथ्वी से बाहर नहीं जा रहा है, मतलब ये पूरी रेंज चल रही है 8 किलोमीटर से लेकर
8 किलोमीटर में भी वो का कैसा घूम रहा था, सर्कल में, है ना। 8 किलोमीटर से थोड़ा सा कम रहेगा तो एलिप्टिकल में, बहुत ज़्यादा कम नहीं कर देना, नहीं तो फिर आके क्या हो जाएगा, टपक जाएगा पृथ्वी पे, है ना। और 8 किलोमीटर से ज़्यादा और ज़्यादा तो पैराबोला और हाइपरबोला, पैराबोला में भी बाहर, हाइपरबोला में भी बाहर, इससे ज़्यादा फिर नहीं होता, फिर वो आप ज़्यादा और स्पीड करोगे तो हाइपरबोला ही पात लेगा वो, ठीक है। मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ये फॉर्मूले में, इसके ऊपर मास नहीं आ रहा है। इसका डेरिवेशन भी मैं करने वाला हूँ, पहले मैंने समझा दिया, हाँ मास कितना भी हो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। आप भले ही से छोटी चीज़ फेंक दो या बड़ी से बड़ी चीज़ फेंक दो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके वेलोसिटी में देखो मास, ये हम डिराइव करेंगे, छोटी सी इक्वेशन है तो यहाँ पर कोई मास की क्वांटिटी नहीं आ रही, ठीक है। हाँ छोटा बहुत आ जाएगा तो कर लेना, दो लाइन के डेरिवेशन भी बढ़ानी है, ठीक है। तो ये आ सकता है, क्लियर है, यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा अब एक्चुअली इसमें पृथ्वी पर कौन अट्रैक्ट कर रहा है, इसमें क्लोज मतलब पृथ्वी इस इन तीनों शेप में अट्रैक्ट करेगी मास को, आ रही बात समझ में, और इन तीनों शेप में अट्रैक्ट नहीं कर रही है, मतलब आपने स्पीड इतनी दी है कि अट्रैक्शन वाली चीज़ क्या हो गई, गायब हो गई। अच्छा मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके मास होते हैं उन मासेस में क्या होता है, उन मासेस के कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अगर वो चीज़ है मतलब इन तीनों चीज़ में जो चीज़ आप फेंक रहे हैं वो पृथ्वी से अट्रैक्टेड है हमेशा, बस पाथ बदल रहे हैं, मतलब इसको अट्रैक्टेड को क्या बोलते हैं, बाउंडेड, कैसा शब्द यूज़ करते हैं हम, कैसा क्या यूज़ करते हैं, बाउंडेड, मतलब इन तीनों ही शेप में, मतलब जब इन तीनों ही वेलोसिटी में जो मास और अर्थ है वो तीनों क्या है, मतलब तीनों ही कॉन्फिग्रेशन में बाउंडेड है, मतलब पृथ्वी अभी भी क्या कर रही है, उसे अट्रैक्ट कर रही है, पर वो चीज़ ऐसी कन्वर्ट हो रही है कि किसी पाथ में कन्वर्ट हो जा रही है। आपने इतनी स्पीड से देखा है कि वो एक पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में घूमने लग गया है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये बाउंडेड, मतलब इसमें एनर्जी क्या रहेगी, बाउंडेड। बाउंडेड एनर्जी हमेशा कैसी रहती है, नेगेटिव। बाउंडेड एनर्जी कैसी रहेगी, देखो कैसे मैंने बताया था, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के आगे क्या फॉर्मूला होता है, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन में आर होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये आगे क्या लगा होता है इसमें हमेशा माइनस साइन, माइनस साइन क्या बताता था कि इसके पास इतनी ऑलरेडी एनर्जी है, अब इन दोनों को छुड़ाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी प्लस में एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब अभी भी ये एनर्जी किस में है, नेगेटिव में है, इनको छुड़ाने के लिए आपको उतनी एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, पॉजिटिव देनी पड़ेगी। इसकी एनर्जी क्या निकलेगी दोनों की, पॉजिटिव, और इसकी भी कैसी रहेगी, है ना, क्योंकि अब ये तो क्या छूट गए पृथ्वी से, मतलब आपके पास एनर्जी कैसी हो गई, अब पॉजिटिव एनर्जी हो गई, नहीं आया समझ में, मतलब -10 जूल एनर्जी की जरूरत थी, आपने दे कितनी दी, 15 जूल, तो टोटल कितना हो गया, -10 + 15, टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 5 जूल, तो अब तो पॉजिटिव में आ गए, वो लोन उतर गया, अब ज़्यादा हो गया पैसा, 5 जूल से बाहर है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी अपन सेटेलाइट की निकालेंगे, पर ये तुम्हें समझ में आ गया, एनर्जी किसकी कैसी होती है, बाउंडेड की एनर्जी नेगेटिव आएगी, मतलब अभी भी पृथ्वी से बंधा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी, और पृथ्वी से ये वाली चीज़ क्या है, बाहर चली गई, तो पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो ये कुछ आपकी एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक था। अब एस्केप वेलोसिटी का जो प्रूफ है वो 2-3 लाइन का ही है, तो प्रूफ कैसे करते हैं इसको, तो मतलब इसके वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो गई, वेलोसिटी दैट थ्रो द ऑब्जेक्ट विथ सच अ वेलोसिटी सो दैट इट क्रॉसेस अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, ऑब्जेक्ट को कहाँ से थ्रो करना है, विथ इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ई सच दैट इट क्रॉसेस अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस करके कहाँ पर चला जाए, इन्फिनिटी पे, समझे कि नहीं समझे। इसका जो डेरिवेशन है,
वो हम प्रूफ करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता था? यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ होता था। यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको लगा के हम प्रूफ करेंगे। मान लेते हैं ये अर्थ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है M, अर्थ का मास है कैपिटल M, अर्थ की रेडियस है कैपिटल R, ठीक है, और मास की रेडियस से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा मास रखोगे नहीं, सॉरी जो स्मॉल m का मास रखा है उसकी रेडियस से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो भी आपको रखना है ऑब्जेक्ट, हम जनरली पॉइंट ऑब्जेक्ट शो करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें एक वेलोसिटी देनी है, कितनी देनी, वी ई वेलोसिटी। इस ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से फेंकना है, थोड़ा डायग्राम इधर बना लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी देनी, वी ई वेलोसिटी देनी, ताकि ये जाके कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी में। कई बात समझ में। अब इस दौरान अगर इसकी वेलोसिटी जीरो आती है, कहीं भी बीच में इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, उधर गई तो इलेप्टिकल हो गया, और पहले ही तो नीचे गिर जाएगा, ये तो समझ में आता है। तो वेलोसिटी आपको यहाँ पर जीरो नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी जीरो कहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर, यहाँ पे आके भले ही वेलोसिटी कितनी हो जाए इसकी, जीरो। तो फाइनल अब तो छोड़ ही दिया ना उसने, अब तो छोड़ दिया तो गए, अब तुम जल्दी से रुक जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जस्ट पॉइंट पर पहुँच के हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, जो फील्ड थी। समझ में आ रहा है बात को। चलो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है मास m, पृथ्वी का मास कैपिटल m, इसको हटा देते हैं। चलिए बताइए क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है मास m की, माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होगी। इस मास के पास इनिशियली होगी, इससे बंधा हुआ होगा इतनी एनर्जी से, इतनी शक्ति से, ठीक है, माइनस जी एम एम अपॉन आर, आर स्क्वायर नहीं कितना, आर, माइनस जी एम एम अपॉन आर, ठीक है, क्लियर है, इतनी एनर्जी होती है। इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, प्लस क्या देना पड़ेगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी, के आई हाफ एम इंटू वी स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, इतनी वेलोसिटी दे दो, उसका नाम ई रख दो, वी ई। अरे बात समझ में, सच दैट इनिशियल एनर्जी कुछ मिल गई, फाइनली जाके ये कहाँ पर आ गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हम क्या मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, रेस्ट में। नहीं आया कैसे? नहीं, वो अपन उसके जस्ट पहले का पॉइंट मान रहे हैं ना, कि वहाँ पे जाके रुक गया, उसके बाद फिर वो स्पेस में तो चलता रहे, तो अपन स्पेस पर पहुँच ही नहीं रहे ना, जहाँ पे पृथ्वी की ग्रेविटेशन फील्ड हो रही है वहाँ पे अपन मान रहे हैं कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अब जाके कितनी हो गई, खत्म हो गई। क्यों आ गए, अरे इसके बीच में अगर आ गई जीरो ग्रेविटेशन के बाहर, तो अपन ने यहाँ तो इतनी वेलोसिटी दी है ना, वो उनकी ग्रेविटेशन। अरे सीधी सी बात है, ये एक ऑब्जेक्ट अगर पृथ्वी से बंधा है माइनस 100 जूल, तो इसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस 100 जूल, तो वो सीधी सी बात है, वो प्लस देखिए आपको इक्वल टू में जीरो करवाया हुआ है, ठीक है ना, आपको बस इस बार वेलोसिटी कैसी देनी है, नाम क्या है वेलोसिटी का, स्केप वेलोसिटी, वी ई मतलब स्केप। चलो इसको सॉल्व कर लोगे कट्टस पिट्टस कर लोगे, सॉल्व करके बताओ क्या एक्सप्रेशन आएगा, एम से एम कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं तुमको, अब मुझे बताओ वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम बाय आर आएगा कि नहीं आएगा, चेक करके देखो। अरे उधर जीरो है रे बेवकूफ हो, ठीक है, ये चीज माइनस की चीज उधर चले गई, तो क्या होगा, प्लस हाफ एम वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर, एम से एम कैंसल, और स्क्वायर लेंगे तो ये रूट वूट आ जाएगा कि नहीं, ठीक है,
ये जो इक्वेशन है इट इज नॉट ओनली वैलिड फॉर अर्थ बट इज बट इट इज वैलिड फॉर ऑल प्लेनेट, ये सारे प्लेनेट के लिए वैलिड है। ठीक है, अब आपको पता है अपना फेमस रिलेशन g इज इक्वल टू क्या होता है, gm अपॉन r स्क्वायर, याद है? हम gm की जगह हर बार क्या पुट करते हैं, जी आर स्क्वायर, इसको उधर बेच के बोलते हैं ना कि gm इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, जी आर स्क्वायर। तो gm की जगह जी आर स्क्वायर रखो, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी आर स्क्वायर अपॉन में r, r से r कैंसल, तो ये आ गया रूट 2 जी आर। ठीक है, रूट 2 जी आर। इसके पहले रेडियस क्या रखी थी अर्थ की, रेडियस 3600 है कि 6400 किलोमीटर, वो मास था। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 रखेंगे यहाँ पर, और रेडियस क्या रखेंगे 6400 किलोमीटर, 3600 वाला तो मास था। हाँ गलत कर दिया, नहीं वो पुट थोड़ी करी मैंने, पुट थोड़ी, वो तो वैल्यू तो पटी, वैल्यू तो पुट तुमको करने का बोला था, पुट कौन करेगा, वो तो मैंने आंसर सही बताया, वैल्यू गलत पुट करी तो गलत कहाँ कर दिया, आंसर तो सही टिक किया बट बीच का डेरिवेशन गलत। रेडियस कितनी होती है, 6400, मास होता है कितना, चेक कर लिया पीछे कर लो, मेरे पास तो सामने है। ठीक है, 6400 रेडियस होती है, 6400 वही मैं थोड़ा सोच रहा था कि कुछ ना कुछ सुधार लेना, कहीं पे गलत लिखा इसके पहले वाले में सुधार लो, 3600 नहीं है रेडियस, इसके पहले भी अपन ने 3600 बुलवा रहा, पता नहीं क्या है, तुम्हारे ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। रेडियस कितना, 6400, मुझे वैल्यूज ज़्यादा याद नहीं रहती है ना, मैं भूल जाता हूँ, कॉन्सेप्ट याद है, 6400 वैल्यू रख दो, तब जाके ये वैल्यू कितनी आएगी, लगभग अब 11.2 किलोमीटर, मतलब ये तो हमने स्केप वेलोसिटी निकाली है किलोमीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इसलिए किलोमीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी से आपको ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, पृथ्वी से बाहर चले जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, अर्थ का मास है 3600 किलोमीटर, 3600 किलोग्राम। चलो ये समझ में आ गया, इज दैट क्लियर, ये था आपका स्केप वेलोसिटी। अच्छा, स्केप वेलोसिटी पे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम लें तो क्या बनेगा कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, जैसा मैं हाइट एच का ले रहा था ना, एच हाइट का, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से होंगे, आप उसमें डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट पर है, ऑलरेडी एक एच हाइट पर है, अब यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका कुछ स्केप वेलोसिटी से, और ये जो एच हाइट है ये किसके बराबर है, उतना ही ऊपर है जितनी पृथ्वी की रेडियस है, अब आपसे पूछा है कि स्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, अरे बात समझ में, तो आप यहाँ पर सुनो, वो हमने जो निकाला था रेडियस ऑफ अर्थ का था, आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा इसका फिर से, क्या यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, यू आई कितना, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर, आर प्लस आर कितना, टू आर हो जाएगा, हाइट दिया है ना, कितने वेलोसिटी से फेंकना है, प्लस हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, इधर जीरो इधर जीरो आएगा, देखना अब यहाँ टू से टू कट जाएंगे, वी डैच इज इक्वल टू जी एम की जगह जी आर वगैरह रखोगे तो कितना होगा, जी एम बाय आर आएगा कि नहीं, जी एम बाय आर, इधर उधर ले जाते आता ही नहीं होगा तुमको, फिर गड़बड़ करोगे, एम से एम काटते भी नहीं आएगा, टू से टू भी नहीं काटते आएगा, वो स्क्वायर हटा के रूट भी चढ़ाते नहीं आएगा, आ जाएगा तो फिर आ जाएगा। ठीक है, माइनस जी एम बाय आर आ गया, जी एम की जगह फिर से क्या रखोगे, जी आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी
आर स्क्वायर बाय आर और ये कितना वी ई, आर से आर कैंसल तो कितना आ रहा है रूट जी आर। यहाँ फिर से वैल्यू पुट करोगे ठीक है, इसको वी डैच ई बोल दूं मैं, क्योंकि अपन क्या है हर बार वी से निकाल रहे थे ना, वी मतलब ओरिजिनल वाली, वी डैच मतलब कुछ नकली वाली, कुछ हाइट वाइट पे रखा तो हर बार वी डैच बोल देते हैं ऐसा। अच्छा बताओ वी और वी डैच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है? वी का वैल्यू कितना था रूट टू रूट जी आर, कितना था रूट टू जी आर था, रूट टू बाहर ले लिया मैथमेटिक्स के हिसाब से, और जी आर की जगह क्या पुट कर दिया वी डैच ही, नहीं समझे? तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट टू की जगह रूट टू और जी आर, रूट जी आर अभी तो निकला, कितना निकला वी डैच, तो ये वी डैच मतलब रूट टू वी डैच, समझे? अरे रूट टू जी आर होता है ना, वी का फॉर्मूला रूट टू जी आर, तो रूट टू बाहर ले लिया और रूट जी आर को वी डैच रख दिया। गणित करते नहीं आता तुमको अभी भी? अरे वी क्या था, अभी तुम थोड़ी सी भी बात इधर उधर करोगे तो तुमको समझ नहीं आएगा। वी होगा रूट टू जी आर, रूट टू जी आर मतलब ऐसे ही लिखेंगे, रूट टू का टू बाहर ले लेंगे तो रूट टू जी आर ऐसा हो जाएगा, और जी आर अभी रूट जी आर, ये क्या मतलब, ऐसे ही मन घड़न बताया मैंने, मतलब आपको कि वेलोसिटी कैसे निकालनी है। अच्छा स्केप वेलोसिटी आपको पता, आपको वी डी एच ई बोला, तो वी डी एच ई कितना होगा, वी डी एच ई इज इक्वल टू वी बाय रूट टू होगा कि नहीं, वी डैच इज इक्वल टू वी बाय रूट टू आ जाएगा, नहीं आ रहा कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। और वी 11.2 है, वी कितना है 11.2, और रूट टू की वैल्यू पुट कर देना तो जो भी आंसर आएगा उतनी वेलोसिटी से फेंकना रहेगा। इसका कुछ आंसर आ रहा है कुछ 7.9 के लगभग लगभग, कितना तो कैसे भी कर लेना यार, अब तुम मैथ्स हो, अब तुम कैसे करेंगे ये मत सोचना, कर लेंगे बस हो जाएगा ठीक है। तो तुम्हें समझ में आया स्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन कैसा है, इज दैट क्लियर? हटा दे, अब इस टाइप से एक क्वेश्चन है, एक मास m1 है और एक मास m2 है और ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है इनके बीच में m, मतलब दो मास के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। अब बताओ कितनी स्केप वेलोसिटी दे ताकि ये यहां से फेंकें तो कहां चला जाए, इनफिनिट से। क्या कॉन्सेप्ट लगाया था अपन ने, इस मास के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, एक तो इसके कारण भी है, फॉर्मूला क्या है यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस मास के पास इसके कारण, मतलब इनके पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन के पास कितनी, इन दोनों की बनेगी और एक इन दोनों की बनेगी, नहीं आया क्या बनेगी, माइनस जी एम वन एम अपॉन इन दोनों की डिस्टेंस, यहाँ से आर और यहाँ से भी कितनी दे रखी है टोटल डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर दे रखी, ठीक है आर सेंटर टू सेंटर कितनी आर, तो माइनस जी एम एम बाय आर और माइनस जी एम टू एम बाय आर, कितनी वेलोसिटी से फेंकें, हाफ एम वी ई का स्क्वायर, ताकि कितना हो जाए ये जीरो, नहीं आया इक्वेशन क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? Yes, कभी भी नहीं आया, एक मास के पास एनर्जी एक बड़े मास से और एक छोटे मास से, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, बस इसको कर कुरा के सॉल्व करना रहेगा अब तुम्हें, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी है ना मास की फॉर्मूला, अरे इस मास की इसके कारण, इसका मास m1 है ना, मीटर क्या है, इसका मास कितना है m1 के कारण इस पे और m2 के कारण इन दोनों, मतलब कारण नहीं, ये कॉम्बिनेशन में एनर्जी है, ठीक है दोनों की कंबाइन, क्योंकि एनर्जी हमेशा किसकी थी, सिस्टम की, तो ये क्या बना है कॉन्फ़िगरेशन, इसका मिला के और एक कॉन्फ़िगरेशन इसका मिला के बना, प्लस करेंगे ना, साइन तो माइनस ही होता है, ठीक है सॉल्व कर लेना, वी वी जो भी आएगा आ जाएगा, प्लस नहीं होगा कॉमन आ जाएगा, अब यहाँ से जी एम एम से एम, तो देखो एम 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 कैंसिल हो जाएगा,
है ना, MMM तो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। और GM की जगह क्या रख सकते हो, इस बार GM1 M2 है तो आप RB कॉमन आ जाएगा, ले लेना। अब ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आपको, अरे तुमको सड़ी से इक्वेशन सॉल्व करते नहीं हरी भाई जी। वी का स्क्वायर एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम वन एम अपॉन में आर प्लस जी एम टू एम अपॉन में आर। ये माइनस से उधर गए प्लस में हो गए, एम कॉमन लोगे तो एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। टू कहाँ गया, ये 1/2 भी था ना, ठीक है, ये 1/2 था ना। अब ये टू को उधर भेजा, 1/2 को क्या है उधर भेजा, तो ये पूरा ग्रुप में पहले काट दिया यार, कॉमन लेके काटेंगे यार पहले, अब कितना में पहले पहले नहीं काटा, कॉमन लेके कटेगा वो, मैं यार स्टेप बचाने के लिए कर रहा हूँ, अब तुम समझ जाया करो। और यहाँ पे क्या हटा है, स्क्वायर हटा है, तो यहाँ क्या लगा है, रूट, ये आ गया आंसर। अब क्या करना, अब इसमें तुमको GR कॉमन ले लेंगे, अब वो छोड़ दो, अब तुमको इतना तो करो कम से कम, आया थोड़ा गणित सुधारो अपना, ये जरा सी सड़ी सी इक्वेशन XYZ में हर बार सॉल्व नहीं करना है अपने को, वेरिएबल के फॉर्म में भी आना चाहिए ना करते। तो ये स्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अब नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ अ सैटेलाइट।